सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग फ्लिपकार्ट की खुद की कंपनी यानी कि मारक्यू के स्मार्ट टीवी का रिव्यू देने जा रहे हैं। तो गाइस, आज की वीडियो आप पूरी देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में इसके बारे में सारी आपको डिटेल्स बताने जा रहे हैं। तो चलिए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, तो फिर आपको इसमें क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ साथ एक 32 इंच की एचडी डिस्प्ले मिलती है। तो काफी बड़ी साइज की डिस्प्ले है, आप मेरे साइड में देख सकते हैं इसके साइज को। और गाइस, इसमें आप लोगों को 250 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, मतलब इसकी स्क्रीन काफी ज्यादा ब्राइट है। इसमें आपको सारे कलर अलग अलग काफी अच्छे से दिखाई दे जाएंगे। और गाइस, इसमें आप लोगों को 24 वाट के स्पीकर मिलते हैं, वो भी डॉल्बी ऑडियो के साथ। तो इससे क्या होता है, इससे आप लोगों के स्पीकर की जो क्वालिटी होती है वो और ज्यादा एनहेंस हो जाती है इसकी साउंड क्वालिटी। तो इससे आप लोगों को और भी बढ़िया और पूरी सराउंडिंग में आपको बहुत बढ़िया से इसकी आवाज आएगी। और गाइस, इसके साथ साथ हमें कुछ और सामान मिलता है, जैसे कि हमें ये दो चीजें इसके साथ और मिली है, जैसे कि इसमें हमें एक वॉल माउंट मिला है और वॉल माउंट के साथ साथ यहाँ पर ये हमारा रिमोट है और यहाँ पर कुछ पेच है, जिसको भी हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। सो गाइस, तो फिर ये स्मार्ट टीवी का मैनुअल है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ये मैनुअल है। तो हमें तो आज तक मैनुअल की जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि हम लोग तो खुद ही सब कुछ बता देते हैं टीवी वगैरह के बारे में। तो गाइस, चलिए अब इसके रिमोट में सेल डालते हैं और आपको इस टीवी को ऑन करके दिखाते हैं। सो गाइस, तो यहाँ पर आप लोग इसका रिमोट देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ मारक्यू और इसमें आपको काफी सारे बटन मिल जाते हैं, ये होम बटन है, ये ऑन ऑफ बटन है। तो चलिए अब इसको ऑन करते हैं और आपको इसके और फीचर्स दिखाते हैं। तो ये हमने कर दिया इसको ऑन। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कितनी स्पीड से ऑन हो गया, क्योंकि आप लोगों को इसमें क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है तो इसलिए काफी स्पीड से ऑन हो जाता है। तो चलिए अब इसमें हमने अपना वाईफाई भी कनेक्ट कर लेते हैं, इसमें हम लोग अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे वाईफाई पे हम लोग आ चुके हैं, हमने कर दिया ओके। तो फिर अब आप लोगों को गाइस यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करने के लिए आप लोगों को वायरलेस कनेक्शन में चले जाना है। वायरलेस कनेक्शन में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना नेट सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हमारा ये है तो हमने इसको सिलेक्ट करके कनेक्ट कर लिया है। तो हम लोग दबा देते हैं इसका होम बटन वापस आने के लिए, तो हमने दबा दिया इसका होम बटन। और गाइस, सही अच्छे से फोकस करने के लिए कैमरे को कर देते हैं थोड़ा हम इसकी स्क्रीन के पास। तो गाइस, तो चलिए अब इसकी स्क्रीन की क्वालिटी चेक करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं यूट्यूब पर और एक वीडियो प्ले करके देखते हैं इस पर। तो गाइस, तो अब इसकी क्वालिटी को फुल पर सेट करके देखते हैं कि कितनी हाई क्वालिटी तक अपनी वीडियो चला सकता है। तो हम लोग अब चले जाते हैं यूट्यूब की सेटिंग पर। तो गाइस, जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं कि इसमें 4K का ऑप्शन नहीं है, इसमें 1080 पिक्सल्स और 60 FPS का ऑप्शन है, तो यही हमने सिलेक्ट कर दिया है। तो इसकी फुल क्वालिटी है। और गाइस, इसमें आपको कलर्स वगैरह काफी ज्यादा अच्छे से आपको डिटेल्ड मिलते हैं, आप देख सकते हैं सब डिटेल्स आपको बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही होंगी, बिना किसी दिक्कत के आपको सब डिटेल्स इसमें दिखाई दे रही होंगी। तो गाइस, इसमें कलर्स काफी ज्यादा शार्प मिलते हैं, मतलब सॉफ्ट से कलर्स हैं, ज्यादा शार्प भी नहीं है, ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत अच्छे से इसमें कलर्स को मैनेज करा गया है। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी क्वालिटी लग रही है हर चीज की इसमें। और गाइस, इसमें आप लोग सारे एप्स यूज कर सकते हैं क्योंकि एक स्मार्ट टीवी है, तो आप इसमें सब यूज कर सकते हैं एप्स अपने प्राइम वीडियो से लेकर सब कुछ। जो आप ऐप डाउनलोड करना चाहें तो वो आप यहाँ पर नीचे आपको ऐप स्टोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वहां से जाकर आप अपने ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप स्टोर में जाकर आप एप्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको और एप्स डाउनलोड करने हैं। चलिए इसको मैं बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद गाइस, यहाँ पर आपको एक मेन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं आप। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पे एटीवी लिखा है तो एटीवी पे आपका स्मार्ट टीवी चालू हो जाता है, और एवी वन पर जाएंगे तो आपको जो 3 पिन वाले जो सेटअप बॉक्स वगैरह लगाने होते हैं तो इससे वो चल जाएगा। और फिर यहाँ पर एचडीएमआई का ऑप्शन है जो दिखाई नहीं दे रहा है, ये एचडीएमआई का ऑप्शन है, तो इससे आप अपनी एचडीएमआई, अगर आपने एचडीएमआई लगा रखी है तो इससे आप एचडीएमआई पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, इसमें और भी सेटिंग दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर और सेटिंग दे रखी है, यहाँ पर यूजर की सेटिंग दे रखी है, नोटिफिकेशन है, हिस्ट्री है, कास्ट स्क्रीन की भी सेटिंग दे रखी है, और गाइस यहाँ पर इमेज की भी सेटिंग दे रखी है। इससे आप अपने टीवी के कलर्स वगैरह को सेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसकी सेटिंग्स सब सही हैं। तो अगर हम इसे छेड़ फालतू में खराब करेंगे तो सेटिंग्स खराब भी हो सकती है, तो हम ये सब कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ पे साउंड का है और ये मीडिया का ऑप्शन है, मीडिया में जाकर अगर आपने कोई पेन ड्राइव वगैरह लगाई है तो यहाँ से आप वो देख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम लोग अभी आपको इस पे स्क्रीन कास्ट करके दिखाते हैं अपनी। तो गाइस, तो हमने काफी देर तक इसमें कास्टिंग को चालू करने की कोशिश करी लेकिन इसमें कास्ट नहीं हो रही थी स्क्रीन, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं जब हम यहाँ पर अपना मोबाइल कनेक्ट, तो गाइस जब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कास्टिंग करते हैं, मैं बैक करता हूँ, स्टार्ट कास्टिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नो नेटवर्क क्लिक कर आ जाता है। यहाँ पर मैं क्लिक कर चुका था तो इस वजह से यहाँ पर नो नेटवर्क क्लिक आ चुका है, तो यहाँ पर नो नेटवर्क क्लिक आ जाता है। इसका मतलब है कि इस टीवी में थोड़ा कास्टिंग करना मुश्किल है। तो इसमें अगर आप कास्ट करना चाहते हैं अपनी स्क्रीन, तो इसमें आपको एक थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसकी मदद से आप इस पे स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं, और वैसे इसमें कास्टिंग नहीं चल रही है। तो फिर एंड्रॉइड टीवी में कास्टिंग काफी इजीली हो जाती है, लेकिन स्मार्ट टीवी में मेरे ख्याल से हो सकता है कि कास्टिंग इजीली ना होती हो। तो चलिए इसको भी बैक कर देते हैं हम। तो गाइस, तो चलिए अब इसमें हम एक सॉन्ग प्ले करते हैं और आप लोगों को इसका साउंड सुनाते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कितनी बढ़िया है। तो गाइस, तो यहाँ पर हमने एक सॉन्ग प्ले कर दिया है, तो इसका मैं साउंड बढ़ाता हूँ और आप लोग इसकी साउंड क्वालिटी देख सकते हैं।
तो गाइस, तो जैसे कि आप लोग इसका साउंड सुन सकते थे, काफी ज्यादा लाउड साउंड था इसका। और गाइस, मैंने ज्यादा देर प्ले इसलिए नहीं किया सॉन्ग को, तो क्योंकि अगर मैं ज्यादा देर साउंड को प्ले कर देता तो फिर मेरी वीडियो पे कॉपीराइट आ सकता था, इसलिए मैं ज्यादा देर प्ले नहीं किया साउंड को। और गाइस, साउंड क्वालिटी इसकी काफी बढ़िया है, काफी लाउड स्पीकर्स हैं इसके, काफी दूर तक आप लोग बैठकर इसकी आवाज को सुन सकते हैं। जो अभी मैंने आप वीडियो प्ले करी थी वो मैंने 50% वॉल्यूम पे प्ले करी थी, फिर भी आप लोग इसकी आवाज सुन सकते थे, कितनी बढ़िया आवाज आ रही थी इसकी। तो गाइस, फ्लिपकार्ट की तरफ से आया है तो कुछ तो बढ़िया हो गई इसमें। और गाइस, स्क्रीन वगैरह की क्वालिटी इसकी काफी बढ़िया है और सब कुछ आपको इसमें इनबिल्ट मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फॉर यू में हमारे ऐप स्टोर है यहाँ पर जितने भी हैं। और गाइस, टीवी शोज में जाएंगे तो यहीं से आप डायरेक्ट अपने टीवी शोज पे जा सकते हैं, जैसे कि मैं ऊपर आया और ये हम टीवी शो पे चले गए। टीवी शो में यहीं पे आपको सब टीवी शोज शो होने लगेंगे, अगर आपको कुछ नया देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको इसमें हर चैनल के शो होने लगेंगे, मतलब डिज्नी प्लस हॉटस्टार से लेकर प्राइम वीडियो के सबके आपको टीवी शो होने लगेंगे यहाँ पर, यहाँ से आप वो टीवी शो देख सकते हैं। ये मूवीज का ऑप्शन है इसमें भी, ऐसे ही है सब कुछ, यहाँ पर आपको सब प्राइम वीडियो वगैरह सबके आपको एप्स यहीं पे एक साथ मर्ज दिखाई दे जाएंगी, जो भी आप मूवी देखना चाहेंगे, जो भी नई मूवी आएगी वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो गाइस, यहाँ पे एनिमेशन है, यहाँ पर आप ये सब भी टीवी में ही डायरेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पर आप सारे एनिमेशन देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नारुतो वगैरह सब कुछ है, तो आप ये भी देख सकते हैं, आप जुत्सु काइसन वगैरह सब देख सकते हैं आप इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें डायरेक्ट टीवी में ऑप्शन दे रखा है इन सबका, एनिमेशन आप यही देख सकते हैं। गाइस, इसमें आप शॉर्ट वीडियोस भी डायरेक्ट टीवी पर देख सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस भी सब टीवी पर ही दे रखे हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट शॉर्ट वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और ये ऐप स्टोर दे रखा है साइड में, और साइड में हम जाएंगे तो यहीं तक आपको सेटिंग दे रखी है, यहाँ पर आपके सारे एप्स आ गए जो इसमें है पहले से अभी। तो चलिए आ जाते हैं अपने मेन स्क्रीन मेन मेन्यू पर पहुंच जाते हैं वापस। तो गाइस, तो चलिए हम इसकी सेटिंग्स आपको खोलकर दिखा देते हैं, तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी सेटिंग्स मिलती हैं, तो यहाँ पर आपको नेटवर्क सेटिंग्स से लेकर सब चीजों की अलग अलग सेटिंग्स मिल जाती हैं आपको। और ये अबाउट टीवी में, टीवी के बारे में डिटेल्स है सारी, सीरियल नंबर वगैरह यहाँ पर आपको टीवी का मिल जाता है, अगर आपको कोई जरूरत हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं सीरियल नंबर अपनी टीवी का, इसको भी हम एग्जिट कर देते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आपको टेम्परेचर दिखाई दे रहा है यहीं टीवी पर अपने डायरेक्ट। तो गाइस, ओवरऑल ये टीवी मुझे तो काफी बढ़िया लगा, क्योंकि इसमें सारे फीचर्स बढ़िया से वर्क कर रहे हैं और इतने कम रेट में आपको और कोई टीवी मिल भी नहीं सकता इतना बढ़िया स्मार्ट टीवी। तो गाइस, ये स्मार्ट टीवी काफी बढ़िया है, इसमें आपको सब फीचर्स मिल जाते हैं स्मार्ट टीवी वाले, बस इसमें क्रोमाकास्ट वर्क नहीं करा, इस वजह से मैं इसको 10 में से 8 रैंक करूंगा, वरना ये पूरा 10 में से 10 था अगर ये इसका क्रोमाकास्ट भी वर्क कर जाता, लेकिन इसका क्रोमाकास्ट वर्क नहीं करा। लेकिन बाकी सब कुछ इसका काफी बढ़िया है, इसके कलर वगैरह की एडजस्टमेंट्स काफी बढ़िया है, आप पीछे देख सकते हैं सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है इसकी स्क्रीन पर, जबकि एचडी स्क्रीन है फिर भी सब कुछ क्लियर दिखाई देता है, अगर 4K होती तो और भी क्लियर दिखाई देता है, लेकिन एचडी है और इस प्राइस रेंज में एचडी स्क्रीन में मिलना काफी बड़ी बात है, और इस तरीके का टीवी मिलना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गाइस इसमें आपको स्मार्ट टीवी भी मिलता है और आप इसमें अपना सेटटॉप बॉक्स वगैरह कनेक्ट करके डायरेक्ट आप इससे अपनी डिश भी चला सकते हैं, तो वो सब मैंने आपको अंदर दिखा दिया था, HDMI या फिर AV से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं एक और ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।